गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 हो तो नंबर एक, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो ये दो काम करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8। आपको बताया गया था वर्ड क्या याद रखना है, ला ल क क अ। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण, अ का मतलब आधार, अ की मात्रा का मतलब, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और इसी तरीके से सीकेंट थीटा हो जाता है करण बटे आधार, और कोसीकेंट थीटा हो जाता है करण बटे लंब। तो ये आपको सभी याद, सभी कुछ याद रखना है। कैसे याद रखना है आपको बता दिया, लाल कक्का वर्ड याद रखना है। तो यहाँ से 7/8 बराबर है आधार बटे लम, तो इसका मतलब हो गया कि भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और उसका एक एंगल थीटा है, और उसमें आधार और लम की जो रेशियो है, अनुपात है, वो 7/8 है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, माना आधार बराबर है 7 के, इसके साथ के लगा दें, और करण लम बराबर 8 के साथ के लगा दें, 8 के। तो आपको आधार और लंब की वैल्यू पता चल गई है, तो आधार की वैल्यू 7 के और लंब की वैल्यू 8 के। मुझे करंट की वैल्यू और चाहिए, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँगा। तो हम बोलेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि करण का वर्ग ले तो वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर मुझे करण चाहिए, तो करण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग यानी कि 7 के का वर्ग, और प्लस लंब का वर्ग मतलब 8 के का वर्ग। तो ये आपके पास आ गया 49 के स्क्वायर और प्लस 64 के स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 9, 6, 9 और 4, 13, 3, 6 और 1, 7 और 4, 11, 113 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आई करण के वर्ग की। यहाँ से अगर करण निकालें तो वर्ग दूसरी साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 113 के स्क्वायर। और जब ये वर्गमूल 113 के ऊपर आएगा, वर्गमूल 113 और के स्क्वायर के ऊपर आएगा, तो अलग, तो 113 का क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये 113 और ये के आ जाएगा। तो यहाँ पर करण की वैल्यू आपको मिली है वर्गमूल 113 के। अब जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसमें तो साइन थीटा है और दूसरी वैल्यू है कॉस थीटा, तो आप ये दो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण। तो यहाँ से आपको मिलेगा लंब बटे करण, तो लंब की जो वैल्यू है वो 8 के, और करण की वैल्यू वर्गमूल 113 के। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 8/113। साइन थीटा की वैल्यू मिली आपको, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए नेक्स्ट। कॉस थीटा आपके पास होता है आधार बटे करण, लाल कक्का से आप देख सकते हैं आधार बटे करण। तो आधार है आपके पास 7 के और करण है वर्गमूल 113 के,
तो कैसे के कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 7/√113। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है, इस वाली एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, इसलिए 1+sin थीटा गुना 1-sin थीटा बटे 1+cos थीटा गुना 1-cos थीटा बराबर होगा 1+sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113 और 1-8/113 वर्गमूल और बटे 1+cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113 और 1-cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113। तो यहाँ से आपको मिला, यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं a+b into a-b। तो ये होता है a² - b² ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1² - 64/113 वर्गमूल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी a+b into a-b। a² का मतलब 1² और -7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 49 और √113 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिला 1-64/113 1-49/113। तो इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 113-64/113 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे 1 लेंगे 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 into 1 113-49 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 113 कैंसिल हो जाएंगे तो 113-64 लेंगे तो 49 आएगा, 113-49 लेंगे तो 64 आएगा, तो आपको मिला 49/64। तो सेकंड चीज़ पूछी हुई थी आपसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो सेकंड थिंग है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा जो है कॉट थीटा का स्क्वायर होता है और कॉट थीटा की वैल्यू आपको मिलती है 7/8 का स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी 49/64 आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम हैं।